What's up guys, I hope you're doing awesome. So in today's video, I'll be eating the Instagram trending food. यार Instagram पे जो खाने ट्रेंड हो रहे होते हैं ना, आज मैं कुछ जगहों पे जाऊंगा और एक्चुअली मैं उन खानों को टेस्ट करके देखूंगा कि जितने टेम्पटिंग वो पिक्चर्स में नजर आते हैं उतने खाने में अच्छे हैं भी या नहीं. सो इन टुडेज वीडियो विल बी ईटिंग सम अमेजिंग इंटरेस्टिंग एंड वेरी टेम्पटिंग फूड. तो यार आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना और नाउ लेट्स गेट सम फूड. Alright foodies, so I am at the first location of the day और मैं आया हूँ Indus Flavour which is located in Hudson Lane. और यार यहाँ की कड़क रुमाली रोटी और Jack Daniel Fondue is rocking on Instagram. तो अभी मैं जल्दी से रुमाली रोटी और Jack Daniel Fondue order करता हूँ and then we're gonna see कि ये सब picture में ही अच्छे लगते हैं या खाने में भी अच्छे लगते हैं. So let's go. Alright guys, so my kadak rumali roti and dal makhni Jack Daniel Fondue is here. और यार ये जितने Instagram में tempting लगते हैं ना, reality में भी उतने ही ज़्यादा tempting लग रहे हैं. So I'm gonna start with this kadak rumali roti. इसके ना इनके पास चार variant हैं, Mexican, Classic और दो और हैं, मैं नाम याद नहीं आ रहा मुझे. मैंने Classic variant order किया है और इसके अंदर पहले तो इन्होंने कड़क रुमाली रोटी ली. आई मीन एक पापड़ है पतला सा, उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी सारी सीजनिंग डाली, फिर उसके बाद अनियंस, टमेटोज, कोरिएंडर डाला और साथ में मुझे चिली सॉस दे दी. एंड गाइस मुझे कहना पड़ेगा, दिस थिंग मेक्स अप टू बी अ वेरी गुड चखना. सो नाउ आई एम गोना टेस्ट इट विद द चिली सॉस. सो गाइस बेसिकली दिस इज पापड़ विद लॉट ऑफ सीजनिंग एंड वेजीज और इसकी सीजनिंग जो है ना काफ़ी चटपटी सी है, काफ़ी टैंगी फ्लेवर है. और अगर मैं इसको इन वेजीज के साथ खाऊं ऐसे बाइट बना के, बड़ा रिफ्रेशिंग का फ्लेवर आ रहा है. इट इज़ गुड. ऑनेस्टली गाइज दिस इज़ अ ग्रेट स्नैक फॉर नेटफ्लिक्स एंड चिल. मतलब आगे बस नेटफ्लिक्स चला दो मेरे और ये मुझे दे दो. ओए होए होए. नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट द Jack Daniel दाल मखनी फोंड्यू. तो बेसिकली इन्होंने इस बीकर में मुझे दाल मखनी दी है और उसके ऊपर इन्होंने जला के Jack Daniel डाली है, मतलब बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में डाली है. एंड स्टिक्स के ऊपर इन्होंने बटर नान को टैग किया हुआ है. माय दाल मखनी इज स्मोकिंग हॉट. ओह वाओ, ऑनेस्टली आई थॉट बहुत कड़वा फ्लेवर आने वाला है बिकॉज ऑफ दैट विस्की, बट ऐसा कुछ नहीं है यार. विस्की का फ्लेवर इतने अच्छे से ब्लेंड हो गया इस मखनी के साथ एंड बहुत अच्छा जा रहा है फ्लेवर. दीज टू थिंग्स आर वर्थ माई मनी एंड येस गाइज दीज टू आइटम्स आर वर्थ द ट्रेंड. सो आई एम गोना गो टू द नेक्स्ट स्पॉट नाउ एंड आई एम गोना सी यू इन अ व्हाइल. This is called chili garlic pop-up and just have a look. Bhai, this is something which is out of the box. This is called Frizza Nacho Burger. भाई वैसे आपको बर्गर कहीं से लग रहा है? वैसे अगर मेरी एनालिसिस देखो तो नीचे से मुझे बर्गर लग रहा है, ऊपर से इन्होंने फ्राइज की एक बिल्डिंग खड़ी की हुई है एंड दिस इज समथिंग वेरी इनोवेटिव. और साथ में मेरे पास पीने के लिए दिस इज कॉल्ड वाटरमेलन मिंट इंजेक्टर कूलर. गाइस वैसे हमें ऐसे सर्व नहीं हुआ था, इसके अंदर सोडा था और जो इंजेक्शन था उसके अंदर वाटरमेलन लिक्विड था, तो हमने उसको यूज़ किया एंड हे व्हाट आई गेट.
Awesome. इन्होंने पोटैटो पॉपअप्स को काफ़ी सॉसेस में मिक्स किया, इसके अंदर कुछ मसाले डाले और एक कोन के अंदर सर्व कर दिया. ओह वाओ पॉपअप्स का स्वाद काफ़ी अच्छा आ रहा है. इसके अंदर इन्होंने दो अलग अलग टाइप की म्यूइंग्स मिक्स करी है और इसके अंदर मुझे पेरी पेरी मसाला का काफ़ी डोमिनेटिंग फ्लेवर आ रहा है. Awesome. मेरी नज़रें तो यार इस पिज्जा बर्गर पे है. इसके अंदर सब कुछ है, देयर इज अ बिट ऑफ एवरीथिंग इन दिस बर्गर. इसके अंदर इन्होंने टिक्की डाली है, नाचोस डाले हैं, फ्राइज डाले हैं, प्राइम्स डाले हैं. तो अब मुझे मेरी मुसीबतें बढ़ गई हैं, मैं इसको खाऊं कैसे. तो आई थिंक इसको मैं पहले पुल आउट कर लेता हूँ. तो यार ये भी पेरी पेरी फ्राइज हैं और उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी सारा चीज़ डाल के उसे फिर बेक किया है. Now let the struggle begin. तो भाई इस बर्गर के अंदर बहुत सारा माल है. और हाँ प्राइजेस, यस प्राइजेस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे. गाइस आई कैन टेस्ट क्रिस्प नाचोज इन इट, आई कैन टेस्ट सालसा इन इट, आई कैन टेस्ट मेयोनीज इन इट, आई कैन टेस्ट big crisp tikki inside it, I can taste cheese inside it, I can taste bit of everything inside it. Alright, so guys, now it's time for my opinion. This love cone is absolutely worth the trend. और यार ये पिज्जा बर्गर तो यार कुछ ऐसा है, मतलब कुछ चीज़ें होती है ना जो मतलब आप दूर से देख लो और आपको पता चल जाता है हाँ भाई ये अच्छी ही होगी, ठीक है बुरी हो ही नहीं सकती. तो ये उस कैटेगरी में आता है. आई लव दिस बर्गर एंड येस फॉर मी आई एम गोना गिव दिस प्लेस 4.515. Guys, now it's time for me to curb this amazing meal. और फिर मैं मिलूंगा आपको आज की third location पे. So, see you in a while. Alright guys, तो यार मैं आ गया हूँ साउथ दिल्ली में एंड आई एम एट मिल्क शेक एंड को बिकॉज दे सर्व अमेजिंग शेक्स एंड फ्राइज. यार आप देखो इनकी प्रेजेंटेशन कितनी यूनिक है फ्राइज़ और शेक्स को सर्व करने की. तो इसलिए यार ये जगह को तो मुझे चेकआउट करना ही था इस सीरीज़ के अंदर. सो मैंने ऑर्डर किया है ब्लैक आई शेक एंड आई हैव ऑर्डर्ड बबल गम मिल्क शेक. तो यार ब्लैक आई शेक में चॉकलेट है एंड दिस इज़ बबल गम फ्लेवर. साथ में मैंने फ्राइज़ ऑर्डर करे हैं. Guys, these are chipotle mayo fries and these are jalapeno cheese fries and they look so tempting. और यार इसके साथ ना इन्होंने मुझे ये स्टील टिन दिया है which is reusable of course. तो after I eat these fries, this is gonna end up as my pen stand for sure. But इससे पहले मैं जल्दी जल्दी इन fries को checkout करता हूँ. First I'm gonna try chipotle mayo fries. यार इसके ऊपर इन्होंने भर भर के मेयोनीज और chipotle sauce डाली हुई है. Alright. Oh wow. Guys, the best part about this is इनका जो fries है ना काफी thick है and it is very soft. और fries के ऊपर हल्का हल्का इन्होंने पेरी पेरी मसाला स्प्रिंकल किया हुआ है. Jalapeno cheese fries. तो भाई fries दोनों में सेम है, बस टॉपिंग में फर्क है. These fries are good, but I like these chipotle mayonnaise fries much more. So yaar ab now I'm gonna try inke shake and honestly yaar meri badi expectations hain inke shake ke sath. Just have a look inhone kaise serve kiya hai. Guys ye shake bahut bahut zyada thick hai aur iske andar se oreo aur chocolate ke bade bade chunks mere muh mein aa rahe hain and I just love the shake. Now it's time to taste this bubble gum delicious looking milkshake. जैसे टूटी फूटी आइसक्रीम का फ्लेवर होता है ना सेम इसका फ्लेवर वैसा है. इस प्राइस का प्राइस है इंक्लूडिंग दिस बॉक्स 140 रुपी ईच. और अगर आप मुझसे पूछो कि इज इट वर्थ द ट्रेंड, सो या इट्स वर्थ द ट्रेंड एंड वर्थ माई पॉकेट एंड द फूड इज वेरी डिलीशियस. सो आई एम गोना टेक यू टू द नेक्स्ट स्पॉट. सो सी यू बाय.
Alright foodies, so I am at the fourth location of the day और मैं आया हूँ Woodbox Cafe which is located in Kalkaji और मैं यहाँ खाने आया हूँ the flying noodles. So let me show you guys what exactly are the flying noodles. Just check this out. Guys, this thing is very hot and it's very trending on Instagram. और यार ये तो मुझे checkout करनी करनी थी. So basically this is chili garlic noodles and they serve me with hot garlic sauce. वैसे यार आप अलग अलग variety के noodles भी हैं वो भी order कर सकते हैं. तो मैंने garlic noodle order करी है और उसके साथ आप अपनी choice की gravy भी order कर सकते हैं. और मैंने vegetable gravy order करी है but you can order chicken or fish gravy also. So now I'm gonna check it out. Guys, if you are wondering कि ये noodles ऐसे fly क्यों कर रही है, तो वैसे ये fly कर नहीं रही है. बीच में एक डंडी लगी हुई है, so उसके ऊपर काफ़ी सारी noodles हैं and because of these noodles आप शायद वो अंदर वाली stick देख नहीं पा रहे हैं. So it's just logic. Guys, these noodles are a little spicy and tangy at the same time. और यार ये जो noodles हैं काफ़ी पतली हैं, जो मुझे बहुत पसंद है. This package is for ₹280 और यार ये combination बड़ा अच्छा है. Although मेरे लिए थोड़ा spicy है but it is very good and yeah, it is a one time try at least. So guys, I really hope you like this concept and you like the video as well. So यार अगर आपको ऐसे खाने और देखने हो तो मुझे comments में ज़रूर बताना. I'm gonna bring another video like this and don't forget to follow us on Instagram. तो फिर video को like कर दो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए हैप्पी ईटिंग.